आप सब कैसे हैं। आज सिखाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ। मैंने तीन कलर लिए हैं और सबसे पहले मैं फिंदे इस क्रीम कलर से डाल, ये देखें इस तरह से हमें फिंदे डाल लेने हैं। बिल्कुल सादा तरीके से फिंदे बता रही हूँ और 9 फिंदे डाल लेने हैं। एक दो तीन चार 8 और एक ये 9। ये देखें इस तरीके से आप फटी पुरानी साड़ी भी लगा सकती हैं इसमें। इस वाले फिंदे को सीधा इधर से पूरी रो में सादा सादा बना लेती हूँ। तो 2 सिलाई बनाने के बाद डिजाइन को स्टार्ट करेंगे और ये पत्ती वाली डिजाइन, ये पत्ती डिजाइनर पत्ती बना रही हूँ। तो ये देखें किस तरह से बनेगी। यहाँ पे देखें 2 3 4 चार फिंदे के बाद यहाँ पे देखें इस तरह से जाली बनाएंगे एक फिंदे को बढ़ाते हुए। अब देखें अंटा लगाते हुए एक फिंदे को बढ़ा लेंगे, 4 फिंदे इधर हम उल्टे उल्टे बनाएंगे, इस वाले फिंदे को सीधा बनाएंगे। अब इधर से देखें पूरी रो को आपको सादा सादा बना लेनी है, इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट इसको कर लेना है। अब फिर से देखें 4 फिंदे उल्टे उल्टे, अब इस वाले फिंदे पे इस तरह से जाली एक फिंदे को बढ़ाएंगे और जाली बनाएंगे और जो बड़े हुए फिंदे हैं उनको हम सादा बुनते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें इस तरह से जाली बनाएंगे और एक फिंदे को बढ़ा लिया, 4 फिंदे उल्टे उल्टे रहेंगे साइड साइड से। साइड से हमें कोई फिंदे को नहीं बढ़ाना है, सिर्फ हमें बीच से फिंदे बढ़ाने हैं। उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा पूरा बुनते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब इधर से देखें 4 फिंदे यहाँ पे उल्टे उल्टे बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें 1 2 फिंदे बढ़ा लिए, तीसरे फिंदे को इस तरह से फिर से बढ़ा लेंगे। यहाँ पे इस तरह से फिंदे को बढ़ाएंगे घुमाते हुए धागे को और 4 फिंदे इसी तरह से बुन लेंगे। अब पूरा उल्टा बना लेंगे, एक फिंदे को इसी तरह से और बढ़ाऊंगी तो मैं बढ़ा लेती हूँ फिंदों को, फिर मैं आगे की डिजाइन आपको दिखा। ये देखो यहाँ पे मैंने 4 जाली बना ली हैं, 1 2 3 और ऊपर वाली ये 4। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4, तो 4 सलाई इधर से 4 इधर से, तो यहाँ पे 4 फिंदे इधर बढ़ चुके, 4 इधर बढ़ चुके, तो 9 फिंदे बीच में हो गए हैं। अब देखें डिजाइन को हमें चेंज करना है, कलर को यहाँ पे 4 फिंदे ये वाले कलर हो जाएगा, 4 बना लिए। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फिंदे बीच में हो गए। अब देखें फिर से इधर हमें इधर की साइड दूसरा गोला लगाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे लंबा हो जाएगा।
तो चार फिंदे इस वाले कलर से बन जाएंगे। ये देखें डिजाइन इस तरह से। अब ये चार फिंदे हैं इसी तरह से चलेंगे, इनमें हमें कुछ नहीं ना बढ़ाना है ना घटाना है, जो भी फिंदे हम बढ़ाएंगे बीच में बढ़ाएंगे। अब देखें एक दो तीन चार, ये चार सीधे फिंदे, ये सेंटर का फिंदा है तो यहाँ पे फिंदे को इस तरह से बढ़ा लेना है। यहाँ पे भी देखें अब हम अंटा नहीं लगाएंगे, जब तक यहाँ थे तो अंटा लगा लगा के इस तरह से बढ़ा रहे थे, अब फिंदे को हम इसी तरह से बढ़ाएंगे। एक दो तीन चार, चार इधर सीधे हो गए, चार इधर, बीच में हमने एक इधर बढ़ा लिया एक इधर, तो तीन फिंदे हमारे सेंटर पे हैं। चार फिंदे ये बॉर्डर वाले, उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा उल्टा बुनते। अब फिर से देखें सीधी साइड पे, अब ये चार फिंदे उल्टे, यहाँ पे देखें चार फिंदे सीधे, चार फिंदे के बाद हमें एक फिंदे को बढ़ाना है, तो ये चार फिंदे बुनते जाएंगे और फिंदे को बढ़ाते जाएंगे, बीच में हमारे पास नौ फिंदे हो जाएंगे। अब पांच हो गए, ये देखें इस तरह से साइड साइड पे ये चार फिंदे सीधे रहेंगे और जो बड़े हुए फिंदे हैं वो बीच में सीधे होते जाएंगे। तो इसी तरह से हमें दो जाली, दो फिंदे और बढ़ाने हैं तो नौ फिंदे हो जाएंगे, दो इधर से दो उधर से। तो इसी तरह से बढ़ा लेती हूँ, एक दो, तो दो फिंदे बढ़ा लिए। इसी तरह से मैं चार कर लेती हूँ, यहाँ पे चार जाली बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे हमने चार फिंदे बढ़ा लिए हैं, एक दो तीन और ये ऊपर वाला चार, तो चार बढ़ चुके हैं, यहाँ पे नौ फिंदे होंगे और चार चार ये फिंदे साइड से। तो अब देखें चार, अभी ये फिंदे थे चार और हो जाएंगे, ये देखें एक दो तीन चार, बाकी फिंदे नौ हम इसी से बनाएंगे। ये देखें नौ फिंदे बिन लिए, अब ये चार बचे हुए हैं इस वाले। अब जो जैसा है वैसा ही सीधी साइड से इस तरह से बिनेंगे, आठ फिंदे ये उल्टे उल्टे बना लेंगे। यहाँ पे मैं डिजाइन दिखाती हूँ, ये देखें पत्ती बनती जा रही है इस तरह से, ये पत्ती इधर को जाएगी ये इधर को जाएगी, बीच से ये पत्ती निकलती जा रही है। अब देखें यहाँ पे चार फिंदे फिर से मैं सीधे बिन लूँगी, एक दो तीन चार, चार बना लिए। अब यहाँ पे देखें फिर से इस तरह से एक एक फिंदे को फिर से बढ़ा लिया, इसी तरह से नौ फिंदे हो जाएंगे बीच में और साइड साइड चक्कर रहेंगे जो कली बनती जा रही है। तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो नौ फिंदे मेरे बीच में हो चुके हैं। अब देखें साइड से एक दो तीन चार, चार सिलाई इधर से चार इधर से। तो अब देखें आगे किस तरह से बनाना है, यहाँ पे देखें दो का एक, एक दो तीन चार, चार फिंदे बचे हुए हैं वो इसी तरह से अभी बुनेंगे। अब देखें यहाँ पे एक
दो सॉरी इनको हमें इस तरह से बनेंगे, ये देखिए चार फिंदे हम अंदर की साइड जाएंगे, ये देखें चार बना लिए, वह आठ फिंदे हो गए, चार यहाँ पे कम हो गए। अब देखें एक दो तीन चार, चार बना लिए, एक फिंदे को हम यहाँ पे कली को चेंज करेंगे, डबल कली बनाएंगे, तो किस तरह से बनेगी वो देखें आप। यहाँ पे नॉट लगा लेनी है, ये देखें नॉट लगा ली, इस तरह से हमने कर लिया। अब इसको हमने एक फिंदे को बना, सिर्फ एक फिंदे बीच में बनाना है, और चार फिंदे हम फिर से बनाएंगे, चार बना लिए। अब यहाँ पे चार फिंदे ये, अब ये सारे फिंदे बिन लेंगे, सीधी सिलाई में हम कम करें, ये देखें एक दो तीन चार, चार बना लिए। अब आठ फिंदे इसी तरह से बुन लेती हूँ, ये देखें बुन लिए। अब सारे फिंदे इस तरफ से, अब देखें एक दो तीन चार, चार बना लिए। अब देखें इस वाले फिंदे से हम फिंदे कलर से फिंदे बढ़ाएंगे, अपनी साइड करेंगे, इसको इस तरह से कर देंगे, और यहाँ पे इस तरीके से चार फिंदे बुन लेंगे, ये देखें। तो कलर चेंज हो गया, अब चार फिंदे ये क्रीम कलर से बनेंगे, बैंगनी से हम यहाँ पे फिंदे बढ़ाते जाएंगे। तो इसी तरह से मैं नौ फिंदे बीच में कर लेती हूँ, फिर आपको आगे का बताइए। देखो हमने नौ फिंदे बीच में बढ़ा लिए, अब देखो अब चार फिंदे हमें यहाँ पे कम कर देंगे, दो तीन चार, ये देखें चार, चार फिंदे बचे हुए हैं। अब हम चार फिंदे बिनेंगे, अब यहाँ पे जो जैसा है वैसा ही बुन लेते हैं, फिर आपको सीधी सिलाई में बताते हैं। पूरी रो इसी तरह से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर अब इधर से भी देखो दो तीन चार, अब यहाँ पे चार फिंदे बचेंगे। अब सीधी साइड देखें, चार फिंदे हम इसी तरह से ये बिनेंगे। अब यहाँ पे देखें इस वाले फिंदे को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे, दो का एक करेंगे, अब फिंदे नहीं बढ़ाने हैं, इधर से कर लिया, अब यहाँ पे भी देखो दो का एक कर लिया, साइड साइड से हम दो का एक करते जाएंगे, लास्ट में बैंगनी कलर के तीन फिंदे बचेंगे, ये देखें। अब फिंदे नहीं बढ़ाने हैं, अब हमें साइड साइड से कम करने हैं बैंगनी वाले, बाकी और कहीं से फिंदे हम कम नहीं करेंगे, सिर्फ बैंगनी वाले फिंदे कम करेंगे। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे तीन फिंदे बचेंगे, फिर मैं आपको दिखा, यहाँ पे देखो तीन बचेंगे, तीन किस तरह से बीच वाला फिंदा आगे की तरफ ले आना है, और इसको इस तरह से बुन देगा, अब जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो उल्टी सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सीधी में आपको ये देखें उल्टी सिलाई में इस वाले धागे को कट कर दिया है, अब ये इस तरह से हो गया,
इसको हम इस तरह से कर देंगे। अब जो जैसा है वैसा ही बुनते जाएंगे। ये देखें, ये डबल पत्ती मैंने बना ली है। अब आगे हम किस तरह से बनाएंगे वो देखें। अब फिंदे कम होते जाएंगे। अभी ये चार फिंदे बना रही हूँ, चार फिंदे इसी तरह से रहेंगे। अब इस वाले फिंदे को सीधा करेंगे, इस तरह से पत्ती को बनाएंगे। अब ये क्रीम वाले फिंदे हैं, ये वाले कम होते जाएंगे। ये देखें इधर से इस तरह से, तो इसी तरह से इनको भी हम कम कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे तीन फिंदे बचे हुए हैं। ये पत्ती बनने पे बहुत सुंदर लग रही है, अभी जब पूरी बन जाएगी तो और सुंदर लगेगी। ये देखें, अब यहाँ पे उसी तरह से तीन का एक कर, उल्टी तरफ से हमें फिंदे कम नहीं करने हैं। जिस तरह से हमने सीधी साइड से बढ़ाए हैं तो सीधी साइड से हमें फिंदे कम करते हुए जाना है, उल्टी तरफ से हमें सारे फिंदे एक साथ बुनते हुए कंप्लीट कर लेने हैं। अब देखें ये रो पूरी इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखा। अब देखें यहाँ पे 9 फिंदे बचे हुए हैं। अब ये भी पत्ती पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखें आगे हमें किस तरह से बनाना है। अब यहाँ पे देखें 2 का एक कर दिया, तो ये फिंदे हम उल्टे उल्टे बिनेंगे, इनमें कुछ नहीं करना है। इधर से भी हमें 2 का एक करना है। ये देखें इसी तरह से 3 फिंदे बचेंगे, 2 का एक करते करते 3 फिंदे लास्ट में बचेंगे, फिर मैं आपको दिखाते हैं। ये देखें लास्ट में 3 फिंदे बचे हैं, तो 3 फिंदे इस तरह से हम पलट लेंगे। तीसरे फिंदे को हम, बीच वाला जो फिंदा है वो हम साइड से ले आएंगे। तो ये देखें इस तरह से बन गया, और इसको कट करते हुए इसमें से इस तरह से निकाल देंगे। ये देखें, तो ये देखें इस तरह से आपकी ये पत्ती बन के पूरी कम्प्लीट हो चुकी है। इसी तरह से हमें 3 पत्तियाँ और बनानी, तो मैं बना लेती हूँ। देखो पत्ती मैंने बना ली है, इस तरह से 4 पत्तियाँ बनानी है। अब इनको सिलना किस तरह से है वो बताऊंगी। ये देखें इस तरह से आपको पत्तियों को लेना है, और इस कलर से मैं सिलूंगी। अब यहाँ पे रेड है कलर, तो रेड से यहाँ पे सिल लूंगी। जो जैसा कलर लगाया है उसी कलर से आपको सिल लेना है। मैं इसी कलर से सिले दे रही हूँ। ये देखो बस यहीं तक सिलना है, ऊपर तक नहीं जाना है, यहाँ पे पक्का कर देना है। तो ये देखें इस तरह से आपकी पत्ती सिल के तैयार हो गई है। इसी तरह से इसको सिलेंगे, ये देखें, और इसी तरह से हम इसको सिलेंगे। तो मैं सिल लेती हूँ, फिर आपको देखो मैंने सिल लिया है, इसको कंप्लीट कर चुकी हूँ।